तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप न्यूड कॉलिंग का बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। इसके लिए मैंने उसके ऊपर 3 से 4 मिनट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लेना कि व्हाट्सएप न्यूड कॉलिंग का जो स्कैम आपके साथ भी हुआ होगा तो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, क्या क्या हमें उसके अंदर करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर की है। आप वो वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो व्हाट्सएप न्यूड कॉलिंग का स्कैम होता है, हम कैसे होता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो व्हाट्सएप न्यूड वीडियो कॉलिंग का हमारे साथ स्कैम होता है, उससे किस तरह से बचा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स व्हाट्सएप न्यूड कॉलिंग का स्कैम आपके साथ हो गया होगा तो टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों के साथ नहीं हुआ और उन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है, तो उन लोगों के लिए वीडियो होने वाले स्पेशल। तो उन लोगों को क्या करना है, व्हाट्सएप पर जितने भी आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, उनको किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर मान लो व्हाट्सएप के अंदर जो भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपसे वो व्हाट्सएप का नंबर मांगते हैं वीडियो कॉलिंग का। तो व्हाट्सएप का नंबर देने के बाद वो तुरंत ही वीडियो कॉलिंग करेंगे और पूरे कपड़े निकाल के देते, पूरे कपड़े भी नहीं रहते, और आपको भी बोलते कि आपका चेहरा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, तो आप भी सब दिखाते हो और उसके बाद वो व्हाट्सएप का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते। उसके बाद जैसे वीडियो खत्म हो जाता है तो हमें वो व्हाट्सएप के जरिए शेयर करते हैं और बोलते हैं कि हमें पैसा दे दो, इतना इतना पैसा दे दो, अगर पैसा नहीं दोगे तो हम आपके घर वालों को, फेसबुक फ्रेंड को हम भेज देंगे या यूट्यूब फेसबुक पर वायरल कर देंगे। फ्रेंड्स याद रखना, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम यहाँ पर ये वीडियो कभी भी नहीं जाता, क्योंकि जो इनका रूल्स है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके ऊपर वीडियो जाएगा, फेसबुक के ऊपर वीडियो जाएगा, यूट्यूब के ऊपर जाएगा, लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगा। लेकिन अभी क्या चालू, अभी कोरोना का चालू सिस्टम है, तो कोरोना की वजह से उनका स्टाफ भी कम होगा शायद। तो जो भी वीडियो, जो न्यूड वीडियो जो ब्लैकमेलर यूट्यूब के ऊपर डालती है, तो उसको डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब एक दिन लगता है या 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। और आप लोग भी ये समझ लो कि ऐसा न्यूड वीडियो है, वो YouTube उसको कभी भी प्रमोट नहीं करेगा, YouTube कभी भी उसको वायरल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसा YouTube ने उनको वायरल कर दिया तो YouTube के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करेगा और YouTube का धंधा भी कम हो जाएगा। मतलब सबसे पहले फ्रेंड्स, YouTube किस तरह से कमाता है, मान लो मैं अभी YouTube के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरे वीडियोज़ के अंदर एड्स आता है, एड्स आने के बाद मुझे पैसा मिलता है, थोड़ा YouTube को मिलता है। तो मान लो अगर YouTube ने ऐसा न्यूड वीडियो अपलोड कर दिया और न्यूड वीडियो वायरल कर दिया, तो कोई भी बंदा YouTube के ऊपर काम नहीं करेगा और YouTube को पैसा भी नहीं मिलेगा। तो याद रखो कि YouTube पर ऐसा वीडियो जल्द से जल्द वायरल नहीं होता, टेंशन मत लो। तो जो ब्लैकमेल रही, आपको धमकी देंगे कि मुझे इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, आप पैसा मत देना, एक बार पैसा दिया तो आप फंस जाओगे, बार बार पैसा मांगते रहेंगे। और दूसरे एक एप्लीकेशन आता है क्यूट नाम का, बहुत लोगों ने मुझे कॉल कर मैसेज करके बताया कि जो क्यूट नाम का एप्लीकेशन आता है उसके अंदर से वो हमारा नंबर ले लेते हैं, नंबर लेने के बाद हमारे साथ स्कैम कर लेते हैं। तो याद रखो कि जो भी डेटिंग वेबसाइट है, डेटिंग एप्लीकेशन है, उनके अंदर कभी भी हमें चैटिंग नहीं करनी। चैटिंग करो लेकिन आपका जो पर्सनल नंबर है किसी को शेयर मत करो। अगर पर्सनल नंबर शेयर किया तो लोग आपको वीडियो कॉल करेंगे और आपको और कपड़े उपड़े सब निकाल के बोलते हैं कि मुझे पैसा दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो आप समझ जाओ कि जो भी आपको वीडियो दिखता है वो वीडियो उस तरह का नहीं होता, वो सिर्फ एक कंप्यूटर में, लैपटॉप में वीडियो प्ले करते, उसके अंदर अपना मोबाइल रखते और हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग शूट करते। हमें लगता है कि सच में वो लड़की है और हम उनको पैसा दे देते। तो हमें किसी को पैसा नहीं देना, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा भाई, लोग पैसा मत दो, सब जगह से उनको ब्लॉक कर दो। अगर आपने उन लोगों को ब्लॉक नहीं किया तो आपको और टेंशन देंगे, कैसे भी कॉल करेंगे। तो हमें क्या करना है, 5-6 दिन के लिए उनको ब्लॉक करना है, उनसे कोई संपर्क, कोई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, तो आपका वीडियो कहीं पर भी वो वायरल नहीं करेंगे, टेंशन मत लेना। और मान लो आपके साथ ये स्कैम हो चुका होगा तो जो भी आपका फेसबुक प्रोफाइल है उसको प्राइवेट करो, जो आपके फेसबुक फ्रेंड्स है वो उसको ओनली मी रख दो। ओनली मी रखने के बाद क्या होगा कि वो किसी भी आपके फ्रेंड का स्क्रीनशॉट नहीं निकल पाएगा, किसी भी आपके फ्रेंड को मैसेज नहीं कर पाएगा, तो टेंशन मत लो। इस स्कैम के अंदर लोग क्या करते हैं कि अपने फेसबुक फ्रेंड को मैसेज करते, हाय भेजते और उनको हमें धमकी देते कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो हम अपने आपके फेसबुक फ्रेंड को भेज देंगे। तो जब भी उनको कॉल आता है तो यही बोलने का, तो तुझे जो करना है करो, मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाला हूँ और मैं साइबर क्राइम में, पुलिस में जा रहा हूँ, तो जो करने कर लो। तो वो लोग घबरा जाते हैं और आपको ब्लॉक करते हैं और आपको परेशान नहीं करेंगे। तो सबको ब्लॉक करना है। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। कभी भी मत करो, क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों के कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ। जब भी मैं फ्री होऊंगा तो आप लोगों के कॉल उठाऊंगा, या मैं मुझे मिस कॉल भी दे देना, मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं आपको रिवर्स बैक कॉल करूंगा। बस फ्रेंड्स आपको इतना ही करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स बस कुछ नहीं करना, आपके साथ कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। ऐसे गंदे वीडियो कभी भी वायरल नहीं होते, आप उनको पैसा मत दो। एक बार पैसा दिया, गलती किया तो आप बहुत पछताओगे, पैसा देने के बाद वो आपको बार बार कॉल करेंगे, तो टेंशन मत लो। अगर पैसा भी दिया होगा
तो कोई बात नहीं, हम उनका वीडियो ब्लॉक करेंगे, रिपोर्ट मार देंगे वीडियो को। मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, जब मैं फ्री रहूँगा आपका कॉल उठा लूँगा, टेंशन मत लो भाई लोग। चलो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि कोई भी इसका शिकार ना हो पाए। जय हिंद, वंदे मातरम।